नमस्ते दोस्तों, मुझे यहाँ पर आप सब लोगों को भी जानकारी होगी और मुझे भी इसकी खबर मिली है कि किस तरह राजस्थान के नागौर जिले में दलित उत्पीड़न के एक बहुत ही भयानक किस्म की घटना सामने आई है और इस घटना को लेकर सारा राष्ट्र उद्वेलित है, सारा राष्ट्र परेशान है कि ये इस तरह की घटनाएं इस दौर में भी, जब आप 21वीं सदी में हैं, दुनिया विकास के एक और चरण में जा रही है, सभ्यता एक नए दौर में है, इस समय इस तरह की घटनाओं का होना क्या बताता है। देखिए, आप कोई कह सकता है कि ये मानवाधिकार हनन की घटना है और ऐसा तो किसी के विश्वास हो सकता है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज में किन के साथ होती है। आमतौर पर वो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अति पिछड़ों के साथ या फिर बेहद गरीब लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये आप इतना तो समझ रहे हैं कि इस घटना का एक जातीय पहलू निश्चित रूप से है। सवाल उठता है, मुझे देखिए, इस घटना की बहुत चर्चा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी एक घटना सामने आई है, इसके पीछे ऐसी कई सौ घटनाएं आज भी हुई होंगी जो जिसके वीडियो नहीं बने होंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, जिसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही होगी। तो निसंदेह, चूंकि अब इतनी घटनाएं हो रही हैं, रिकॉर्डेड घटनाओं की संख्या ही हजारों में है, SC ST एक्ट को इतना कमजोर करने की कोशिश के बावजूद इसमें इतने सारी घटनाएं दर्ज हो रही हैं, तो ये जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत राष्ट्र को, मतलब एक राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। किसी एक समुदाय की चिंता का विषय अगर है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कैसे रुकेगी ये घटनाएं? दरअसल ये घटनाएं हो रही हैं, सबको मालूम है, आज़ादी के बाद 70 साल में ये घटनाएं बढ़ी हैं और ये लगातार, देखिए, इसमें महिला उत्पीड़न की ओर से और भयानक घटनाएं हो रही हैं। तो भारतीय राष्ट्र क्या एक समाज के बड़े हिस्से को छोड़कर और उसको उत्पीड़ित करता हुआ ही राष्ट्र बनेगा? क्या ये दलितों का राष्ट्र है भी या नहीं है? उनका इस राष्ट्र में कितना हक है? क्या उनको एक मानवीय जीवन गरिमा के साथ जीने का अधिकार है या नहीं है? तो ये सारे सवाल हैं, मेरे ख्याल से इस पर बात होनी चाहिए और मैं कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ एक सजेशंस दे रहा हूँ। आप विचार करें कि क्या इससे कोई रास्ता खुलता है, कोई एक रास्ता निकलता है। तो मुझे लगता है ऐसी घटनाओं को लेकर पहली बात, SC ST एक्ट को कमजोर बनाने की सारी बहसें बंद कर दी जाएं। SC ST एक्ट की संदेश में बहुत जरूरत है और इस ऐसे एक एग्जम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसे पनिशमेंट होने चाहिए जिससे कि लोग सबक सीखें। इसके बगैर ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तमाम ये उम्मीद करें कि जो ऊंची जातियों के लोग हैं या मझोली जातियों में भी जो अत्याचारी लोग हैं, उनमें मानवता जग जाएगी। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं है, उनमें मानवता नहीं जग रही है, वो इंसान नहीं बन पा रहे हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं ये अब वो जाने, लेकिन भारतीय समाज मानवीय समाज नहीं बन पा रहा है। सॉल्यूशन नंबर एक, कि SC ST एक्ट को मजबूत बनाया जाए। उसके तहत जो एक दो, अगर ये कह के कि फर्जी मुकदमे हैं, इसके आधार पर पूरे एक्ट को कमजोर बनाने की जो कोशिश हुई है बहुत गलत है। जिस जज ने इसको कमजोर बनाया, उस जज को जिस तरह से पुरस्कृत किया गया बीजेपी सरकार में, वो अपने आप में शर्मनाक है। NGT का चेयरमैन बनाया गया जस्टिस गोयल को, जो कि ये गलत फैसला उन्होंने दिया, तो ये अपने आप में, देखिए, इससे लोगों का मन बढ़ता है कि आपने SC ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया और आपको पुरस्कृत कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार, तो इससे लोगों का दरअसल मन बढ़ता है। इस तरह की घटनाएं होती है तो पहली बात, SC ST एक्ट पर कोई भी हमला बर्दाश्त न किया जाए और इसको सख्ती से अमल किया जाए। दूसरी बात, इस तरह की घटनाएं जहां भी होती हैं, वहां पर जो अपराधी हैं, बल्कि उस पूरे इलाके में उसको जैसे अब ये चलन अब हो भी रहा है, पहले भी होता रहा है कि दंगों की स्थिति में या कई तरह के और केसेस में इलाके को दंडित किया जाता है, तो ऐसी घटनाएं जहां भी हो रही हैं, या तो वहां पर किसी न किसी तरीके से, या तो वहां पर बिजली की दरें बढ़ा दी जाए, खास छोटे से, मतलब आप एक स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, वो पूरा इलाका दोषी है जो इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक रहा है। ये व्यक्ति का मामला होता तो मतलब उसको सुधारा जा सकता है, पूरे समाज का मामला है। तो ये दंड जो है वो सबको दिया जाए और ये इस तरह से जो पैसा निकले, उस पैसे को लोगों को, जो पीड़ित पक्ष है उसको दिया जाए। इसके बगैर ये मामला तो रिजॉल्व, देखिए, हो नहीं रहा है। तीसरी बात, इस तरह का कोई भी मामला अगर होता है तो एक सर्वदलीय और सर्व समाज में, अलग अलग समाज के हिस्से के लोगों को लेकर कोई कमेटी बने और इसकी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर निश्चित रूप से दी जाए और ये उपाय किए जाएं कि इस तरह की घटनाएं न हो। चौथी बात, मुझे लगता है कि जो कास्ट ऑपरेशन का प्रश्न है, जो उत्पीड़न का प्रश्न है, इसको लेकर बहुत जरूरी है कि स्कूली शिक्षा में इसको शामिल किया जाए कि इस तरह की जो घटनाएं करने वाले लोग हैं वो इंसान नहीं है, इंसान से बदतर कोई कैटेगरी है उसके हैं। तो इसको लेकर जो बाबा साहब की शिक्षा है, फुले महाराज की शिक्षा, फुले महात्मा फुले की शिक्षा है, इसको स्कूली करिकुलम में शामिल करके कास्ट को एक
चेतना के स्तर बन जाने से नहीं बातें बात वो बन पा रही है, तो उसको भी इसको किया जाना चाहिए। तीसरा कि अगर कोई सरकार लगातार उनके यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही थी, इसका मतलब है कि सरकार का लोगों ने मैसेज यही समझा है कि इसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो लगातार अगर हो रही है तो एक तो ऐसी सरकारों में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीएम या एसपी उनको सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया जाए कि आप जिम्मेदार हैं, ऐसी घटनाएं जहां भी होंगे वहां वो डीएम या एसपी वहां पर नहीं रह सकता है, उसको दंडित करके वहां से हटाया जाए, उसको डिमोट किया जाए, तमाम तरह के उस पर कार्रवाई की जाए। इसके ये भी एक मेरे ख्याल से एक तरीका हो सकता है जिससे कि इसमें कोई रास्ता खुले। ऊंचा कंपनसेशन, कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन इस तरह की हर घटना के बाद लोगों को दिया जाए, और एक सरकारी नौकरी कम से कम देने का प्रावधान किया जाए जो भी उत्पीड़ित पक्ष हो उसको। तो इस तरह के मुझे लगता है एग्जाम्पलरी एक उदाहरण पेश करने वाले कदमों को लाए बगैर आप समझिए कि 2020 में हम लोग हैं, मतलब 21वीं सदी का भी 2 दशक बीत रहा है, और इस समय इस तरह की घटनाओं का होना मतलब पता नहीं दुनिया में हमारी क्या छवि बनती है। लोग पूछते हैं तो हमें क्या बताना चाहिए कि ये कैसा देश है। तब देखिए युद्ध के समय में उत्पीड़न की घटनाएं बाकी जगह होती हैं, लेकिन आम शांति काल में इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है। देश की छवि अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि एक दीवार बनाकर कुछ चीज़ों को छिपाकर देश की छवि चमका लेंगे, तो देश की छवि क्या है? उनको लगता है कि इस तरह की घटनाओं की खबर दुनिया में नहीं आ रही है और लोगों को पता नहीं कि हो क्या रहा है। तो ये बहुत जो ये घटना है इसमें मतलब देखिए समाज के स्तर पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जाति का अपराधी है, जिस जाति का अभियुक्त है, उस जाति को उन लोगों को जाति बाहर भी करना चाहिए। परिवार के स्तर पर जो ये देखना चाहिए कि उन लोगों के मुकदमे न लड़े जाएं, उनके केसेस लड़ने के लिए कोई सामने न आए परिवार का सदस्य, क्योंकि फिर वो ट्रेनिंग आ जाती है कि अच्छा ऐसी घटना होगी तो परिवार साथ खड़ा रहेगा, जाति साथ खड़ी रहेगी। तो जातियाँ अगर वो मानवीय जातियाँ हैं, उनमें कोई भी इंसानियत है, कोई भी सभ्यता है, ऐसी जातियों को इन लोगों का जाति बहिष्कार भी करना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के और उपाय हो सकते हैं। आप भी अपने सजेशंस दें कि हमको किस तरह से करना चाहिए। अभी जैसे मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ प्रिंसटन में हूँ, आप देख सकते हैं, और सर उसमें जब ये लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या घटना है, तो मतलब सचमुच आप क्या बताएंगे कि मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब ये अजीब सा वाकया है। और इस तरह की घटनाएँ यहाँ चूँकि लगातार होती हैं तो मतलब शर्म की बात तो है ही है दोस्तों। मुझे लगता है कि इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, और देश अगर इंसानी जो बुनियादी मतलब एक ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर भी अगर अब संघर्ष हो रहा हो तो ये बहुत ही गंभीर बात है, और इसको लेकर निश्चित रूप से आप लोग भी उपाय बताइए और सरकार को दबाव डालिए कि वो कुछ तो ऐसी सजा दे कि अगला आदमी डरे कि ऐसे करने से हमें दिक्कत होती। इस तरह घटनाएं होती क्यों है? साहस कहाँ से आता है? ये साहस इसलिए आता है कि उनको मालूम है कि इस तरह की कोई घटना करने के बाद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये उस साहस को पैदा करता है जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस साहस को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपके परिवार की पूरी संपत्ति जब्त होगी, आपका परिवार आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपकी जाति आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अगर कुछ इस तरह के उपाय अगर होते हैं तभी ये रुकेगा। सरकार के स्तर पर सबसे ज़्यादा इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में चीज़ें देखिए सरकार और कानून और डंडे से ही ठीक होती हैं, अपने आप सुधरने वाला देश तो ये है नहीं। ये अभी अगर कानून ना होता तभी भी ये सती बना के औरतों को अपने परिवार के औरतों को जला रहे होते। तो ये मतलब बहुत सभ्यता के बहुत निचले पायदान पर खड़ा देश है, इसमें चीज़ें अपने आप कुछ नहीं होती हैं। तो ये देखिए इस पर और चीज़ें कैसे होती हैं, सरकार पर निश्चित रूप से बहुत भारी दबाव बनाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं से ये जो नेशन इन द मेकिंग है, बनता हुआ राष्ट्र है, उसके सारे सपने टूटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।